तो सिटाडेल सीजन 1 का आज लास्ट एपिसोड रिलीज हो चुका है। तो ये सिटाडेल वेब सीरीज कैसी है, जितना इसका बजट है उसके अनुसार इसका परफॉर्मेंस है या नहीं, और ये सीरीज दुनिया की एक्सपेंसिव लिस्ट में सेकेंड नंबर पर क्यों है, इसका बजट कितना है और इसका एक एपिसोड बनाने में कितना खर्च हुआ है, वो सब आज इसी वीडियो में जानेंगे। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव और ये सब सवालों के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, इट्स मी बीजे, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो सिटाडेल एक स्पाई वेब सीरीज है जिसके मेन लीड में तुम्हारी भाभी और मेरी प्रियंका, हमारी प्रियंका चोपड़ा और रिचर्ड मैडन है। तो सिटाडेल एक स्पाई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर दुनिया का खतरनाक स्पाई एजेंट है, और ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट से हट के काम करती है, जिसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन किसी एक कंट्री का नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सारी देशों से मिलकर बना है, जिसके अंदर हर एक कंट्री का जाबाज सिपाही है, जिसके अंदर इंडिया से भी है, इंडिया से वरुण धवन और समांथा है, और ये एक वर्ल्ड वाइड यूनिवर्स बना रहे हैं जिसके अंदर हर एक कंट्री का एक सिटाडेल एजेंट को दिखाया जाएगा। अब बात करते हैं इस सीरीज की नेगेटिव के बारे में। तो इस सीरीज का जितना बजट है उसके अनुसार परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है। इस सीरीज की एक एपिसोड बनाने में 50 मिलियन डॉलर का खर्च हुआ है। इतने में बॉलीवुड की अच्छी खासी दो फिल्में बन जाएगी। और इस सीरीज में कैमरा एंगल को इतनी बार रोटेट करके दिखाया गया है कि कुछ टाइम के बाद ये तुम्हें क्रिंज लगने लगेगा। सिर्फ फर्स्ट एपिसोड में ही अच्छा लगेगा क्योंकि उस वक्त तुम्हारी मैडम जो थी, ऑनेस्टली बोलूं तो ये सीरीज एक रिलेशनशिप के ऊपर टिकी हुई है और तुम्हें पता है कि वो रिलेशनशिप क्या है। और इस सीरीज का स्टोरी उतना ज़्यादा खास नहीं है, बॉलीवुड की स्पाई यूनिवर्स जैसा ही है, बस यहाँ पर पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं है। बाकी इस सीरीज की पॉजिटिव के बारे में बात करते, एक्टर्स का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है और मूवी में CGI और VFX का बेहतरीन यूज किया गया है, क्योंकि 50 मिलियन डॉलर भी यूज हुए हैं ना एक एपिसोड को बनाने के लिए। इस सीरीज को 300 मिलियन डॉलर लगा है, जो कि तुम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो कि कितना होता है। बाकी सीरीज का फर्स्ट एंड सेकेंड एपिसोड ही बढ़िया है, बाकी कोई भी सीरीज उतना ज़्यादा खास और अच्छा नहीं लगेगा। इस सीरीज को पूरा एक ही साथ रिलीज कर देते तो बेहतर होता। तुम बताओ तुम्हें सीरीज कैसा लगा? मुझे तो इस सीरीज ने पूरा डिसअपॉइंट कर दिया है, क्योंकि इसका जितना बजट है उसके अनुसार परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो कमेंट करके बताओ तुम्हें ये सीरीज कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।